नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात करेंगे बिजली कटौती की। जी हां, आपको बता दें, प्रदेश राजस्थान की हम बात कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर बिजली कटौती जो है वो अब गहराती हुई नजर आ रही है। और इसके पीछे का रीजन अगर खंगालना चाहें तो सीधे तौर पर कोयला की कमी होने की वजह से जितनी भी थर्मल पावर इकाइयां प्रदेश में कार्यरत है उनमें से आधी जो है वो कोयले की कमी की वजह से ठप हो गई है। कहीं कहीं मैनेजमेंट को लेकर सवाल या निशान जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एकदम कोयले की कमी नहीं आती। इससे पहले से ही ये स्थिति थी और जिस तरीके से अगर देखें तो उड़ीसा का कुछ क्षेत्र और बिहार झारखंड का जो एरिया है वो पूरा का पूरा कोयल माइंस से भरा हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से कोल माइंस के अंदर पानी भर गया और उसकी वजह से जो कोयले की जो उत्पादन है उसके ऊपर इसका असर पड़ा है। और जो राजस्थान के कोटे की जो कोल माइंस हैं उनके भी हालात कुछ इस तरीके के ही नजर आ रहे हैं। और इसी कारण से कोयला की उपलब्धता नहीं होने के कारण सीधे तौर पर प्रदेश को जो 10,000 मेगावाट की जरूरत होती है उसमें से केवल उत्पादन की अगर बात करें तो 7,000 मेगावाट ही मिल पा रहा है। और यही कारण है कि अब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है और सरकार को बिजली कटौती ही करनी पड़ेगी। इसके कई रीजन भी हैं। बिजली की चोरी लगातार होती जा रही है और जिस तरीके से बिजली का लॉसेस हो रहा है उस पर पार नहीं पाया जा रहा है और लगातार जो बिजली की कंपनियां बनाई गई है वो घाटे में है, तो कई मसले हैं, कई इसके मुख्य बिंदु हैं जिनकी वजह से ये सारा जो मामला है वो नजर आ रहा है। अब अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में। चलिए, क्या कुछ ये पूरा मसला है और क्या समस्या खड़ी आ गई है, और क्योंकि त्यौहार का समय है, दिवाली जो है वो सर पर, और ऐसे में बिजली कटौती कहीं कहीं रोशनी को फीका कर देगी, रोशनी को अंधकार की और धकेल देगी। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। बिजली की कमी ने राजस्थान में गंभीर बिजली संकट खड़ा कर दिया है। इसके चलते प्रदेश की आधी थर्मल बिजली उत्पादन इकाइयां ठप पड़ गई है और जो चल रही हैं उनमें क्षमता से आधा ही उत्पादन हो पा रहा है। संकट के कारण सभी जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। कृषि क्षेत्र में 4 की जगह 3 ब्लॉक में ही बिजली दी जा रही है। प्रदेश में 7,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता है जबकि रोज 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की जरूरत है। यह हालात राजस्थान में ही नहीं, यूपी में भी बिजली कटौती योगी सरकार के लिए बड़ा मुद्दा बन गई है। बीजेपी सरकार के ग्रामीण अंचलों में 18 घंटे बिजली देने के वादे पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कि विद्युत उत्पादन इकाइयों में आज कोयला उपलब्ध नहीं है जिसके कारण दीपावली के त्यौहार से पहले कटौती का सामना करना पड़ेगा पूरे प्रदेश को, और इसके ऊपर जनता से सिक्योरिटी राशि वसूली जा रही है जो कि कनेक्शन लेने के समय ली जा रही है। बार बार राशि वसूल करके और बड़े बिलों से जनता त्रस्त है, उसको लेकर के आज हमने AN कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ज्ञापन दिया। हम मांग करते हैं सरकार से कि विद्युत आपूर्ति जो है वो बाधित न, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े बिल हैं उनको कम करके जनता को। बिजली कटौती ही नहीं, प्रदेश में बिजली चोरी भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन नीतियां इन सब समस्याओं पर कारगर साबित नहीं हो रही है। दीपावली के त्यौहार के आसपास ये निर्णय आम जनजीवन को तो प्रभावित करेगा ही, उद्योगों और व्यापारियों के लिए भी संकट पैदा करेगा। केंद्र की बीजेपी सरकार हो या प्रदेश की, बिजली आपूर्ति हमेशा से ही चुनावी मुद्दा रहा है और पार्टी ने इसे मैनिफेस्टो में भी शामिल किया है, लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उनसे नहीं लगता कि सरकार अपने वादे पर खरी उतर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो बिजली के बिना विकास की हम अवधारणा को नहीं समझ सकते और विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरत बिजली की है। तो कोयले की कमी से यह बिजली संकट जो है वो गहरा गया है। प्रदेश में बिजली की कटौती से हाहाकार की स्थिति है। वहीं आपको बता दें, थर्मल पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन की कमी हो गई है। जो प्रदेश की इकाइयां हैं थर्मल पावर स्टेशन से, उनमें आधी इकाइयां ठप पड़ी हुई है और इसका सीधे तौर पर प्रभाव जो है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ेगा, क्योंकि बिजली जो है वो नहीं मिल पाएगी और सरकार के पास अब बिजली कटौती के अलावा और कोई
वे जो है मार्ग जो है वो नहीं बचा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, सरकार की नीतियों को विफल करार दिया है कांग्रेस ने और कहा है कि बिजली के प्रबंधन में सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल साबित हुई। कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट है, हमें जितना कोयला जितनी कोयले की रैक्स चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो पा रही है, उसका सीधा प्रभाव जो है कोल माइंस में खनन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर पानी भर गया है और इसी वजह से जो है उत्पादन में कमी आई है और उसका इंपैक्ट जो है वो थर्मल पावर इकाइयों पर पड़ रहा है क्योंकि वहां पर कोयला नहीं पहुंच पा रहा है और इस वजह से जो थर्मल पावर इकाइयां हैं वो ठप पड़ी हुई है। तो ये बड़ा गंभीर मसला है क्योंकि बिजली के बिना किसी भी चीज की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। आज इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा। पूरा नाम जो है ना उसके अंदर शुक्रिया दुर्गेश। तो बिजली की कटौती प्रदेश में भारी पड़ रही है, एक तरफ विकास की बात की जा रही है, इंडस्ट्रीज में पहले से ही प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है और अब बिजली कटौती इसमें और ऐसा कील ठोक रही है जो विकास को बाधित कर सकते हैं। लगातार इस पे मांग उठ रही है, त्योहारी सीजन है लेकिन सरकार का दावा है कि दिवाली से पहले से दुरुस्त कर दिया जाएगा। आपने सुना पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि ये व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। हम आपको बता दें कि पहले से ही मेंटेनेंस के नाम पर करीब एक महीने से बिजली कटौती प्रदेश में चल रही है और अब कटौती जो की जा रही है वो की जा रही है कि कॉल सप्लाई नहीं होने की वजह से प्रोडक्शन ठप हुआ है जिससे जो बिजली आपूर्ति है वो गड़बड़ा गई है। राजधानी जयपुर के अलावा सब जगह फैसला पहले ही कर लिया गया था कि 2 घंटे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में 3 घंटे तक बिजली की कटौती की जाएगी। चले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हैं, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं और सतीश कुमार जी हमारे साथ, आप सभी का स्वागत है। ओम जी, सवाल ये है कि स्थिति गड़बड़ा सकती है, ये कोई मुझे बड़ा सवाल नहीं लगता है। बड़ा सवाल यहाँ पे ये लगता है कि आने वाले दिनों में चुनावी वर्ष भी होगा और 24 घंटे बिजली देना सरकार की प्राथमिकता में भी, और जिसमें 8 घंटे पर्टिकुलर वो बिजली देना जिसके अंदर आप एग्रीकल्चर फील्ड के लिए काम कर सकते हैं। और पिछले दिनों अभी सरकार ने दावा लगातार कर रही है, मोदी साहब ने तो हाल ही में कहा है कि जिन गांवों के अंदर बिजली नहीं है हमारा टारगेट है कि 18-19 तक उनमें बिजली पहुंचा सकें, और ये बीजेपी का दावा है कि केवल राजस्थान की स्थिति ऐसी नहीं हुई है, कोल सप्लाई झारखंड और वहां खदानों में पानी भरने की वजह से छत्तीसगढ़ में सभी जगह दिक्कतें आई है। खैर बात राजस्थान की है, सपने साकार कैसे होंगे? देखिए कुल मिलाकर के मैं तो यही देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब शासन में आई तो वसुंधरा जी ने बिजली को ही खास तौर से एक लक्ष्य बनाया अपना और कहा कि गांव-गांव में कैसे वो पहुंचाएंगे, किसान को किस तरीके से बिजली की सप्लाई करेंगे और उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे, और पिछली सरकार ने पूरा भट्टा बिठा दिया, एक लोकप्रिय शब्द रहा है एक जमाने तक, और वो कहने लगे बिजली कंपनियां कितने घाटे में चल रहे हैं उनको ठीक करना उसके साथ साथ में। लेकिन साल भर में जो हम देख रहे हैं, जो लगातार हम महसूस कर रहे हैं और अभी हाल में ये जो सामने आ रहा है सारा, तो कोयले की समस्या तो हमेशा से रही है, इस समस्या का समाधान ऐसे एक टारगेट ओरिएंटेड सिलसिला होना चाहिए कि साहब 2 महीने का कोयला हम अपने पास में सुरक्षित रखेंगे और उसके बाद में कभी भी दिक्कत आएगी तो उसके हिसाब से काम करेंगे। वो सब ना करके मुख्यमंत्री जिस बात के लिए विख्यात है कि उनकी गवर्नेंस बड़ी शानदार है, इस गवर्नेंस में वो या तो वो गड़बड़ खा रही है, या तो वो गच्छा खा रही है, या फिर ऊर्जा मंत्री गच्छा खा रहे हैं। लोगों को बड़े किसानों को भी परेशानी है, गाँव में परेशानी और शहर में खासतौर से दिवाली के इस मौके पर लोग बहुत आतंकित हैं कि रोशनी के इस दौर में हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये सवाल बड़ा गंभीर और राज्य सरकार इस पे तत्काल कोई रास्ता निकालना चाहिए। इससे तो बात बनेगी नहीं कि खदानों में पानी भर गया है, इससे बात नहीं बनेगी कि दूसरे प्रदेशों में भी ऐसा ही है।
आपको अपने प्रदेश के बारे में, अपने ऊर्जा उत्पादन के बारे में, यहाँ की गवर्नेंस के बारे में बात करनी चाहिए। और वो बात ये है कि आपका फेल्योर है जो नजर आ रहा है, इसको कैसे निपटेंगे? अभी आश्वासन तो दिया है लेकिन अभी दिवाली में 10-1 दिन और हैं, कैसे होता है आगे देखना पड़ेगा। पंकज जी, बिजली कटौती है और प्रोडक्शन का भाव, आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों भी मीडिया ने काफी हाईलाइट किया था कि हमारे पास में इतने दिन का कोयला बचा। उस वक्त पुष्पेंद्र सिंह जी रानौत भाजपा प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान कहा था कि ये मीडिया की उपज है, तो अगर गलत है तो उस बात को स्वीकार करना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि सीधा विभाग के मॉनिटरिंग और मुखिया का काम एक मिनिस्टर का होता है, लेकिन नीचे जो लवाजमा होता है सरकारी, जो मोटी तनख्वाहें लेते हैं, मुझे लगता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी होती है कि आपके पास में अगर 10 दिन का कोयला बचा है तो आगे करोगे क्या, इसकी रूटलाइन क्या है? जब पैसे दिए जाते हैं, मालूम है कि अगर कोयला खत्म हो गया हमारे यहाँ, प्रोडक्शन अगर गड़बड़ा गया, तो मनमर्जी की रेट से जो सेलर है वो हमारे को एनर्जी देगा। तो ये जब मालूम है कि ये स्थितियां बन सकती हैं, तो पहले से क्यों व्यवस्था नहीं की गई? उस वक्त तो मीडिया को जुटला दिया गया कि सिर्फ मीडिया की उपज है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आज तो स्थितियां सामने आ रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि जब जितनी भी डिमांड रहती है, लगातार 3 सालों तक जो है बिजली की डिमांड से ज्यादा जो है उत्पादन रहा और लगातार जो है डिमांड प्रॉपर बनी रही है। लेकिन पिछले करीबन 15 रोज से जो है कोयले की कमी के कारण और कुछ बेसिकली डिमांड एक्सेसिव होने के कारण, क्योंकि डिमांड इस सीजन के अंदर डिमांड एक्सेसिव आई और कुछ जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर प्रोडक्शन ओवरऑल कंट्री का गिरने के कारण जो है एक्सचेंज से जो बिजली मिलनी थी उसमें जो है रेट्स में इंक्रीजिंग होने के कारण वो पूरे ऑल ओवर इंडिया डिमांड होने के कारण वो कम मिली। इस कारण से कुछ परेशानियां जो है लगातार रही। और सरकार में खुद आप देखें तो यदि 2 महीने पहले आप देखें तो सरकार के पास एक्सेसिव बिजली होने के कारण कोटा की जो थर्मल पावर्स थी उसके अंदर करीबन 5 यूनिट्स लगातार जो है सरकार ने बंद करनी पड़ी, क्योंकि बेसिकली एक्सेस उत्पादन हो रहा था और जो है बिजली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। तो अभी ये जो पोजीशन हुई इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम जो है कोयले की रही, क्योंकि अभी भी कोयले की प्रॉब्लम बनी हुई है जो करीबन 1 या 1.5 वीक तक बनी रहने की संभावना है, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड से जो कोल आना था वो उसकी पूर्ति टाइम से नहीं कर पा रहा था। पिछले 1 महीने से लगभग कोल इंडिया को लगातार जो है जो राजस्थान की सरकार के जो उत्पादन कंपनीज है वो लगातार कह रही थी, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटीज बेसिस थी उसमें कहीं ना कहीं कमी हो रही थी। और अभी कल ही जो है जो चेयरमैन थे उत्पादन के वो जो है कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन से मिले हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि विदिन 2-3 डेज जो है कोल की आपूर्ति को जो है अभी जो आपूर्ति हो रही है उससे बढ़ा दिया जाएगा और ये आने वाले 1 वीक के अंदर पोजीशन ठीक हो जाएगी। जी आरसी चौधरी साहब, ये सिस्टम जो गड़बड़ाने की बात है, सरकार स्वीकार कर रही है कि प्रोडक्शन पे इसका असर पड़ा है, टेक्निकल के साथ साथ आपको बताया कि रॉ मटेरियल की जो प्रॉब्लम है, यानी कि कोयला नहीं है, इस वजह से प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा है। सरकार का पहले दावा रहा है कि हमारे पास में सरप्लस बिजली है, हम दूसरे राज्यों को सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी गड़बड़ा गई है, पहले भी ऐसी स्थितियां रही हैं। लेकिन 1 दिन के बाद ही जैसे ही शुरू किया गया कि बिजली कटौती होगी, कांग्रेस ने पुतले जलाने शुरू कर दिए, ज्ञापन देने शुरू कर दिए। तो क्या एक राजनीतिक मुद्दे की हमें इंतजार रहता है कि कोई मुद्दा मिलेगा तभी हम सब कुछ शुरू करेंगे? योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है। प्रदेश के अंदर जो बिजली को लेके जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में गए तब उन्होंने 14 वादे किए थे और उसके अंदर सबसे जो 2 अहम वादे थे, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे आम उपभोक्ता हम बिजली देंगे और 8 घंटे हम किसान को बिजली देंगे। आज तक ये निर्बाध आपूर्ति है वो नहीं हुई है। किसान को 6 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है और आम उपभोक्ता को, जो ग्रामीण उपभोक्ता है, उसको 18 घंटे भी बिजली का आज तक सप्लाई नहीं हो पाई है। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा इसलिए है कि आज जो इस कोयले की जो सप्लाई की है, पूरी चीजें जानते हैं कि हमें कोयले की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितने कोयला का हमारे पास स्टोरेज है और आने लिवन ये जो पीरियड है इस पीरियड के अंदर हमें बिजली की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, चाहे फार्मिंग का टाइम हो, चाहे फेस्टिवल का टाइम हो, त्योहार पे आप बिजली की इस प्रकार से जो निर्बाध आपूर्ति नहीं करवा सकते। 1 महीने पहले समाचार मीडिया ने भी इस बात को उठाया कि आगे आने वाले 10 दिन के बाद में कोयले की खत्म हो जाएगी। सरकार अगर समय रहते हुए सचेत होती तो निश्चित रूप से आज जनता को जो त्योहार के ऊपर जो दिन है उस पर शायद इस प्रकार का संकट नहीं झेलना पड़ा। लेकिन सरकार की मानसिकता ये कतई नहीं थी कि आम उपभोक्ता को वो बिजली सप्लाई करती। सरकार पहले से भी ये मानसिकता बना चुकी थी कि हमें जितने भी जो थर्मल पावर प्लांट है वो प्राइवेट एजेंसियों को बेचने हैं और ये प्राइवेट एजेंसियों को कैसे बेच पाए। उन्होंने छबड़ा पे उन्होंने विजिट की, उन्होंने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट पे विजिट की और विजिट जब की तब वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने उनके ऊपर विरोध करके उन्हें बाहर निकाला। आज सरकार उन जितने भी जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को घाटे में दिखाना चाहती है। आज यूनिट बंद होती है तो 1 दिन यूनिट बंद होती है, वापस उसको अगर रीस्टार्ट करना है तो करोड़ों रुपए का उस पर खर्चा बढ़ जाता है। इस प्रकार सरकार की मानसिकता उपभोक्ता को
बिजली देना नहीं, सरकार की मानसिकता यह है कि उन प्लांट्स को बेचना चाहती है। आज इन्होंने कहा कि भारत सरकार है वो माइनिंग उत्पादन नहीं कर पा रही है। यहां पे ये पता होना चाहिए कि जो माइनिंग कोल जो राजस्थान गवर्नमेंट को जो अलॉटेड है उसमें माइनिंग कौन करता है और कौन आपको सप्लाई कर रहा है। माइनिंग वहां से अडानी ग्रुप वहां से माइन करता है और वो सप्लाई कर रहा है। इन दोनों ही तंत्र है, वो सरकार और अडानी जो ग्रुप है दोनों मिले हुए हैं और वो कसौटी किसकी है? राजस्थान की जनता की कसौटी पे ये सौदा हो रहा है। राजस्थान की जनता के साथ ये जो छलावा हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री को जनता के हितों पे इस प्रकार के जो व्यापारिक जो संबंध बनाने का जो प्रयास है वो कतई नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होती जो जिस प्रकार से उन्होंने कहा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज भी जा रहे हैं, 10,200 मेगावाट के करीब थर्मल हमारा आपका प्रोडक्शन है। आज जो टोटल बिजली का जो प्रोडक्शन है वो 7,000 मेगावाट के ऊपर आपका प्रोडक्शन हो रहा है, 3,000 मेगावाट की आपकी कमी आ रही है और इस कमी को आप कैसे पूर्ति करेंगे? सरप्लस एक बिजली का स्टेट था, नवंबर 2015 के अंदर हमने इतनी यूनिट्स इम्प्लांट की और सरकार के जनता के जो टैक्स के पैसे से ये जो प्लांट बने, आज उन प्लांट को आप निजी हाथों में बेचना चाह रहे हो। आपकी ये सुयोग्यता नहीं है जिसको आप चला पाए। दूसरा आरसी चौधरी साहब, छोटा सवाल है, आपको ये लगता है कि बिजली जो कटौती है इसके पीछे भी कहीं साजिश की बू आ रही है? निश्चित रूप से साजिश की बू है। साजिश की बू इसलिए है कि समय पे ये कोई अचानक कोई क्लाइमेट ट्रेजडी नहीं है जो अचानक आपकी ऐसी ग्रिड खराब होगी, क्लाइमेट पे आपकी उसके कारण आपकी ग्रिड है वो बंद करनी पड़ी। आपके पास में फ्यूल नहीं है, फ्यूल की एफिशिएंसी का पता अगर सरकार को नहीं हो पाता है इसका मतलब सरकार की गवर्नेंस नहीं है। फ्यूल वहां पे क्यों नहीं, उसकी उपलब्धता कराना किसका काम है? वहां पे फ्यूल क्यों नहीं हुआ, क्यों यूनिट्स बंद करनी पड़ी? आज 17,200 मेगावाट के करीब टोटल आपका प्रोडक्शन हो सकता है। राजस्थान स्टेट को 10,000 के करीब मेगावाट की जरूरत होती है। अगर आप 60% भी टोटल आपके प्लांट अगर वर्किंग कर रहे होते तो शायद इस प्रदेश की जनता को आप इस प्रकार त्योहार के दिन 3 घंटे की कटौती से नहीं जूझना पड़ता। और कटौती के साथ साथ में आप तो करंट मारने का प्रयास करें, बिजली दे नहीं रहे और बिल के साथ नहीं करें, सिक्योरिटी जो मार रही है कैसे लगेगा? बिजली के साथ करंट पैसे का बिल के साथ में आपने 50 रुपए का सिक्योरिटी के नाम पे, आखिर किस हिसाब के आप सिक्योरिटी ले रहे हैं? जब मैं उपभोक्ता था, जब मैंने कनेक्शन लिया तब मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई, आज किस चीज की मेरे से 1,000 रुपए के नाम पे जो लाखों उपभोक्ता है इस प्रदेश के उन पे त्योहार के दिन आपने उस बिल के साथ जमा दी? आखिर निजी कंपनियों को बेचने की एक सुनियोजित तरीका है सरकार का और इन प्लांट्स को जनता के उपभोक्ता के दम पे हम इसको कतई नहीं बेचने देंगे, सरकार को निर्बाध आपूर्ति करनी पड़ेगी। चलिए सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा बिजली कटौती के लेकर के क्या मानना आपका? देखिए बिजली कटौती के ऊपर पूरा सरकार का जो है जो फेलियर ऑफ गवर्नेंस प्लानिंग तो है नहीं गई, क्योंकि ये कोई अकस्मात तो है नहीं कोई, क्योंकि जैसे कि अभी तो बारिश का मौसम भी चल रहा है और बारिश के मौसम में तो बारिश तो हो सकती थी। एटलीस्ट सरकार को अपना रिजर्व जो में जो कोयल तो रखना चाहिए था ताकि जो इमरजेंसी पड़े तो ताकि हमारे जो प्लांट है थर्मल प्लांट है वो तो बंद नहीं हो एटलीस्ट। तो सरकार का प्रॉपर फेलियर तो है ही है जी। तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है मेरे ख्याल से काफी दिनों बाद ऐसा हुआ है जो कि सरकार की सरासर फेलियर था है। यदि वो समय रहते यदि रिजर्व में कोयला रखती तो ऐसी नौबत नहीं आती कि जनता को बिजली से हाथ धोना पड़ता। चलिए पंकज जी, देखिए वजह कुछ भी हो सकती है लेकिन पब्लिक को लगता है कि सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें एनर्जी उपलब्ध कराए। देखिए मैं आपको योगी ने दो चीज कहता हूँ, एनर्जी उपलब्ध भी कराए, एनर्जी जो है सही रेट पर उपलब्ध कराए, क्योंकि ये पैसा जो है देश का है और ये पैसा जो है जनता का, गरीब लोगों का है। अभी आपने 3 दिन पहले आपने राजस्थान पत्रिका और भास्कर में पढ़ा कि अब तक की सबसे कम रेट, जो अब तक की जब रेट बढ़ रही है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 2.64 रुपए प्रति यूनिट, जबकि इनका जो बेसिकली जब सरकार थी तब सरकार ने एग्रीमेंट किया था 14 रुपए प्रति यूनिट रिन्यूएबल एनर्जी की थी, आज 2.64 रुपए के अंदर सरकार ने एग्रीमेंट किया प्राइवेट पार्टी से कि 2.64 रुपए के अंदर हम जो है विंड एनर्जी परचेज करेंगे जो आज तक की सबसे कम है। इसके बाद जो आप बात कर रहे हैं कि ये सरकार आज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3.80 रुपए से ऊपर जा रहा है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें 1.5 रुपए 2 रुपए की अभी जो ट्रांसमिशन ये तो अलग है क्योंकि ट्रांसमिशन का तो जाएगा, चोरी अलग है, सब कुछ अलग है, ये तो खाली जो कॉस्ट की बात कर रहा हूं वो है। तो अब सरकार के पास ये था कि सरकार लगातार जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान रख रही थी, लगातार सरकार उस पे काम कर रही थी और लगातार एनर्जी बढ़ रही थी। आप खुद देखें तो एक टाइम ऐसा था जब सरकार के पास में एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी थी जिसके अंदर सरकार ने लगातार कहा कि हम जो है अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ जो है रखेंगे कि जिस टाइम पे एक्सेसिव बिजली है उस टाइम टैरिफ जो होंगी वो बिल्कुल लो होंगी और जब डिमांड ज्यादा होंगी तो ये होंगी।
होगी। ये सारा का सारा जो एनवायरमेंट चल रहा है इसके अंदर जो अभी पोजीशन आई, इसमें मौसम बिगड़ने के कारण बहुत ज्यादा इस बार जहां पर कोयला निकलता है कोल इंडिया को प्रॉब्लम होने के कारण ये प्रॉब्लम रही पिछले एक महीने से, और कोल इंडिया लिमिटेड के पास ये पोजीशन थी कि भाई हाँ हम जो है इसको शायद जो है आपूर्ति को हम बरकरार रखेंगे, लेकिन ये एक 10 से 15 दिन का जो बेसिकली साइक्लोन और इसके कारण से रहा, इसके कारण से उनके पास परेशान रही। लेकिन अभी कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि हम जो है इस आपूर्ति को विद इन 7 डेज प्रॉपर कर देंगे। जहां तक वो बात कर रहे थे अडानी जी की बात कर रहे थे, जो कोल की बात कर रहे थे, मुझे लगता है शायद या तो याद करके नहीं आए या पढ़ करके नहीं आए, 2010-11 के अंदर जो है ये जो माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी जो उसमें उनके सेक्रेटरी थे श्रीमद पांडे साहब जो अभी भी हैं, उनके द्वारा ही बेसिकली वो जो माइनिंग का ठेका था वो आपने दिया गया था, जिसको कि आज जो है उसी पे कर रहे थे। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि आज भी उस माइनिंग से लगातार सरकार को जो एवरेज 5 से 6 रैक्स मिलनी चाहिए वो 5 से 6 रैक लगातार मिल रही है, उसके अंदर सरकार ने बिल्कुल पाबंद कर रखा है कि उस रैक में कभी भी कमी नहीं होगी और लगातार उससे उत्पादन हो रहा है। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड से था इनका नहीं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया, ये जो बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन हम उसकी आपूर्ति को बराबर ले रहे हैं, क्योंकि आप खुद देखें तो प्राइवेट सेक्टर का जो प्लांट है, खुद आपके चैनल पे बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर के जो प्लांट है वो पहले बंद हुए, हमारे प्लांट फिर भी जो चल रहे हैं, किसी के पास 1 दिन का, किसी के पास 2 दिन का, किसी के पास 3 दिन का कोयला आज भी अवेलेबल है, और लगातार जैसे ही कोयला मिलता है जो यूनिट से वो लगातार स्टार्ट रहती है, उन यूनिट के ऊपर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो ये जो बेसिकली अभी 2000 से 2500 मेगावाट की जो कमी है इसको 7 डेज के अंदर पूरी कर लेंगे। और रही बात इन चीजों की, हम ये कर रहे हैं सबसे बड़ी प्राथमिकता जो सरकार की है वो है एग्रीकल्चर को देना, इसलिए बेसिकली इंडस्ट्री की प्रॉब्लम जो है आ रही है, बाकी लगातार जो है 2 घंटे शहरों में 3 घंटे ग्रामीण में काट करके बाकी उनके आपूर्ति को जो है बराबर रखे जा रहे हैं, क्योंकि फसल पकने का टाइम है, फसल बनने का टाइम है, जो कि पूरे साल काम आएगी। मैं एक बात और छोटी सी मैं बात जानना चाहूंगा, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि देखिए हर सिस्टम का एक मैनेजमेंट होता है, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आपने चलिए एक कंपनियां बना दी बिजली की, लेकिन आज भी नियंत्रण तो सरकार के हाथ में ही है, आप उनको नियंत्रण से आउट कैसे कर सकते हैं? और मैं तो कहूंगा कि आउट हो भी नहीं सकते, जब पैसे हमें अगर उसकी परवाह हमें ही है, ये तो मुझे लगता है कि जब कंपनियां बनाई गई उससे भी कोई बेनिफिट हुआ नहीं कि कंपनियां बनाने से कोई फायदा हो रहा हो। नहीं, मेरा सिर्फ सवाल इतना सा है कि जब मालूम है कि स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं तो नहीं, योगिंदर जी किसी की जिम्मेदारी तो तय हो नहीं। योगिंदर जी दो चीजें हैं, देखिए योगिंदर जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद में उसको स्टोरेज नहीं कर सकते। देखिए आज तक कोई आप उसको स्टोरेज करके रख सकते हैं, स्टोरेज करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का तो आप कर सकते हैं, वो जनरेशन में है, और जब जनरेशन की पोजिशन होती है तो आप खुद देखेंगे तो एक जो यूनिट होती है वो लगभग जो है 59 वैगन्स जो है वो यूटिलाइज कर लेती है एक दिन के अंदर। तो बेसिकली उनका जो कोल का जो ट्रांसपोर्टेशन और जो कोल की जो लिमिट है 15 डेज का कोल जो है बेसिकली मैक्सिमाइज जो है उस यार्ड के अंदर रह सकता है जो कि बिजली के उत्पादन यूनिट चल सकती है। और पिछले यदि महीने पर देखें तो 15 डेज के आसपास जो है 10 to 15 डेज का एवरेज बन रहा था, लेकिन उसके बाद से कोल इंडिया लिमिटेड की सप्लाई नहीं होने के कारण वो जो है एवरेज लगातार गिरा था। सरकार इस पर सचेत थी क्योंकि लगातार सरकार जो है कोल इंडिया से लगातार इस चीज में बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पोजीशन जो है केवल राजस्थान की नहीं है, ओवरऑल पोजीशन जो है इसकी है, इसलिए बेसिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आने वाले 7 डेज के अंदर ये आपूर्ति जो है निर्बाध रूप से शुरू कर दी जाएगी। चलिए ओम जी, एक यहां सवाल यह है कि पंकज जी कह रहे हैं कि पूरा बता दिया इन्होंने कि कोल इंडिया के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था और आपूर्ति वाले भी वहां प्रोडक्शन में क्यों दिक्कत आ रही है, वहां अगर कोल प्रोडक्शन में दिक्कत है एनर्जी प्रोडक्शन पर उसका असर पड़ रहा है। यहां सिर्फ सवाल इतना सा है कि क्या किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ये कैसा हो गया, क्योंकि ये बात सही है कि अचानक तो सारी चीजें हुई नहीं है, ऐसे कोई जब हमारे पास भंडार नहीं है तो हम कैसे वो सपने साकार करेंगे जो बीजेपी या सरकार देख रही है, जनता को दिखा रही है। और मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, आप व्यू और विजन बहुत अच्छा लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उसकी आधारशिला कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आती है। ये आज ये भी कोई कहने को तैयार नहीं है कि लास्ट मर्तबा ऐसा होगा, उसके भविष्य में ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ये कोई कहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप योगेंद्र जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि खासतौर से जब चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया था पंकज जी की पार्टी ने, तो उस वक्त इनका जो पॉइंट 6 है उसमें इस बात को खासतौर से ऊर्जा वाले उसमें खासतौर से दर्ज किया है कि पिछली सरकार के ये सारे मैनेजमेंट बड़े गड़बड़ थे। ओम जी मैं यहाँ रोकूंगा आपको, मैं वापस आप ही के पास में लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो सभी गांवों में बिजली अभी हाल ही के अंदर जिसका शुरू भी किया, उन्होंने आगाज किया एक योजना का, वो कैसे सपना पूरा होगा, चुनाव भी सामने है, विजन भी सामने है, और अगर ये गड़बड़ियां इसी तरह से होती रही तो गड़बड़ी इस मायने में है कि किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास में भंडार की कमी थी इस वजह से व्यवस्था गड़बड़ा गई है, तो
तो कहीं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं प्रदेश में यानी कि राजस्थान में बिजली कटौती। बिजली कटौती के साथ साथ बिजली विभाग ने अपना घाटा पूरा करने के लिए, हम आपको बता दें कि राजस्थान में करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का बिजली कंपनियों पर घाटा है और यह एक सियासी मोड़ पे भी जा चुका है, सियासी रंग पे इस पर चढ़ चुका है, लेकिन हल नहीं निकला है। जब सरकार प्रतिपक्ष में होती है, सरकार की पार्टी, तो वो इश्यू होता है। जैसे ही हम सत्ता पक्ष में होते हैं तो उसे पाटने की कोशिश की जाती है और पहले के लोगों पे उसका निशाना साधा जाता है। और ये वर्तमान सरकार की नहीं है, ऐसा पूर्ववर्ती सरकार के साथ में भी यही हालत थी। जब सरकार में थे तो ये सब चीज गड्ढे नजर नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही आप सरकार से बाहर निकलते हैं तो सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। खैर चलिए, ये मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों और मतदाताओं के लिए कोई नई बात भी नहीं है कि ये सब चीजें चलती रहेंगी। यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी आखिर किसकी है। ओम जी, मैं आप ही के पास था ब्रेक से पहले जी। दो बातें हैं, एक तो मोदी साहब का वो सपना, और मुझे लगता है कि मोदी जो सपने देख रहे हैं वो सही दिशा में देख रहे हैं और सोचने भी चाहिए कि आजादी के 70 साल बाद भी जब हम विकास के मायने तय कर चुके हैं और जिसमें अगर सड़क बिजली एक प्राथमिक रूप से एक सुविधा में मान के चलते हैं, होनी भी चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मोदी जी का विजन, मोदी जी की सोच ऐसे पूरी होगी कैसे? ये किसी की जिम्मेदारी तय होगी उसके लिए? देखिए, ऊर्जा मंत्री इसीलिए अलग से बनाया जाता है। और साथ साथ में बताऊं कि राजस्थान में तो खासतौर से जो आपने बताया कि 1,00,000 कितना घाटा जो बता रहे हैं उनका, उसकी पूर्ति भी की है और अब 14,000 के करीब वो घाटा लाख का रह गया है। राजस्थान सरकार ने करीब 65,000 कितना ये किया है, तो अब कुल मिलाकर के लेकिन घाटा तो हो तो सरकार के पास जा रहा है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते हैं कि साहब उन्होंने अर्निंग रिसोर्सेज बढ़ा दिए हैं उसकी वजह से चलिए घाटा कम होगा। ये सारी आलोचना पिछली सरकार की जमके की गई कि ढांचागत जो सारी गड़बड़ाएं हैं उनको दुरुस्त करेगी वर्तमान सरकार जो आई है, लेकिन वो सब वैसे के वैसे चलता रहा और उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में उपभोक्ता को एक तो नए किस्म के कर का सामना करना पड़ रहा है जिसका भी कोई खुलासा नहीं है, शहरों में इसको लेकर के बड़ी नाराजगियां हैं। और साथ साथ में ये कि जितना कोयला होना चाहिए, ये एक बेसिक चीज है कि हमारे पास में कम से कम 30 दिन का 40 दिन का कोयला रहे, ये जिम्मेवारी बनती है विभाग के प्रमुख की, जिस मंत्रालय के साथ में बात है उसकी प्रमुख की। अगर वो इसको नहीं निभाते तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ऐसी स्थिति में जब कभी भी मीडिया इस बात को सामने लेकर के आता है तो कहा जाता है कि इनकी गढ़ी हुई बात है, लेकिन देख लीजिए पूरे राजस्थान में क्या हाल हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि अब खासतौर से दिवाली के मौके पर ये जो 7 दिन के बाद पंकज जी फरमा रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो इनको बड़ा महंगा पड़ जाएगा ये सारा सिलसिला, लोगों की नाराजगी बड़ी पड़ेगी। किसान तो पहले से नाराज है और उसकी फसल अगर बर्बाद हुई तो और नाराजगी होगी, साथ साथ में शहरी आदमी भी परेशान होगा, उसकी नाराजगी बढ़ेगी। और उससे जो पैसा वसूल करने का सिलसिला किया जा रहा है उसे भी बताया जाना चाहिए कि कैसा, किस बात का पैसा, और ये वक्त पैसा लेने का है या दिवाली मनाने का है। एक तरफ आप लोगों को बोनस दे रहे हैं, एक तरह आप 7वां वेतन आयोग लागू कर रहे हैं और दूसरी ओर बिजली के इस तरीके से पैसे वसूल कर रहे हैं, तो सामान्य जन को आप मांग रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये ठीक वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए। और आज ये खासतौर से पंकज जी बैठे तो हम कहना यही चाहेंगे कि दिवाली तो मनाने दीजिए किसान को अपना। पंकज जी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं कि चलिए देखिए ये तो तय हुआ कि हम सख्त कदम उठाते हैं, ये हम मतलब कंप्रोमाइज नहीं करते हैं कहीं पे भी उसके अंदर, कि विकास अगर चाहिए आपको, अगर अच्छे सपने देखने तो उसके लिए पैसे भी चुकाने पड़ेंगे, शायद ये कह सकते हैं कि हम सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। नहीं देखिए अभिंदर, ये वो वाली बात नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो राष्ट्र का विकास है, देखिए सबसे बड़ी चीज आज तक आपने देखा हो तो पिछली सरकारों के अंदर लगातार इम्पोर्ट के ऊपर हमारी निर्भरता हमें चाहते हैं, लेकिन इस बार हम सेल्फ डिपेंडेंट है लगातार जो है कोल के लिए। पिछली बार मैं आपको एक पहले बताया था कि कोल लिमिटेड के पास में कोल था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है रेलवे के पास में वैगन्स की शॉर्टेज थी और कोल लिमिटेड ने खुद के वैगन्स बनाकर लगातार उनकी आपूर्ति की। लेकिन ये एक समय ऐसा आया जिसमें 15 डेज के आसपास का टाइम है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि आज सरकार ने सबसे बड़ा जो काम किया है, जो आपने कहा कि ये लास्ट वक्त होगा या और भी आगे तक हमें ऐसी परिस्थिति होगी, सरकार ने ये कहा कि अब जो चीज हो रही है कि लगातार सरकार जो है सौर ऊर्जा पे इतना ध्यान है कि
नेट मीटरिंग तक कर रही है कि जो छोटा सा छोटा व्यक्ति भी है वो अपनी जितनी बिजली वहां उसके यहां बनती है सोलर ऊर्जा की जितनी वो यूज करता है वो कर ले, बाकी जितनी भी वो है वो जो है ग्रिड के अंदर ट्रांसफर हो जाए और नेट मीटरिंग के अंदर चल जाए। लेकिन ये काम क्योंकि अभी साल दो साल से शुरू हुआ है तो ये काम अभी बहुत लोकल क्योंकि बहुत बड़ा एक्चुअली ट्रांसमिशन के लिए चाहिए बहुत कम जगह पर जो है शुरू हुआ है, लेकिन लगातार सरकार जो है इस ओर ध्यान दे रही है और इसमें बहुत ज्यादा इजाफा मिल रहा है। इस इजाफे का कारण है कि आपने विंड पावर में ₹2.64 और जो सौर ऊर्जा है उसके अंदर ₹2.86 की जो रेट्स थी वो आ गई, जो कि बेसिकली सरकारी जो थर्मल पावर्स हैं उनकी बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी जो है करीबन 20-30% कम है। ट्रांसमिशन तो छोड़िए क्योंकि यहां पर जो टोटल कॉस्ट है वही इतनी आ रही है। तो ये जो एक कदम है ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ही सुखद और लोगों के लिए जो है फायदेमंद होगा, राष्ट्र के लिए भी जो है बहुत जो है ठीक रहेंगे। तो ये जो चीजें, लेकिन इन चीजों के कारण कि हम एक 15 दिन और 20 दिन की प्रॉब्लम यदि ऐसा नहीं था कि इतनी डिमांड्स होंगी, लेकिन कुछ कारण से मौसम के कारण और डिमांड एकदम बढ़ जाने के कारण जो है ये कहीं ना कहीं कमी रही, लेकिन 15 और 20 डेज के बाद निश्चित रूप से जो है आपूर्ति बिल्कुल ठीक होंगी। और लगातार आप खुद देखें तो पिछले 3 सालों में किसी भी यूनिट के पास जो है जो एवरेज स्टॉक कोयले के थे उनमें कहीं भी 1 दिन और 2 दिन का मैं नहीं कहता, लेकिन लगातार जो स्टॉक मिनिमम स्टॉक होना चाहिए वो लगातार बने रहे। लगातार सरकार ने जो इसके आंकड़े पेश किए कि उन स्टॉकों को लगातार मेंटेन किया। हां, जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बन रही थी वहां कोयला होते हुए भी खुद यूनिट्स इतनी बंद की गई थी क्योंकि बेसिकली जो एक्सचेंज से बिजली थी वो ₹2-1.5 तक आ गई थी और जो है आपकी कॉस्ट बढ़ी थी, इस कारण से कई बार जो है वो बेसिकली यूनिट्स थी वो जो है शटडाउन लेना पड़ा उनका। पंकज जी, यहां पे आपने एक बात कही है कि अचानक लोड बढ़ गया है, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि नवरात्रि और दीपावली के आसपास का जो वक्त होता है इसमें कहीं भी किसान के लिए फसल काटने का और बुआई का वक्त होता है तो लोड मुझे लगता है कि हर बार यही रहता है कि लोड इस वक्त पड़ता ही पड़ता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं ना मंत्री पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ ना सरकार की नियत पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जिन अधिकारियों के हाथों के अंदर इसका जिम्मा है और जिनको मालूम है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन ये, तो मंत्री को भी ये ओम सैनी साहब ने एक बात सही कहा कि या तो जान पूछ करके और पुष्पेंद्र सिंह राणावत हैं उस बात से बचना चाह रहे हैं, उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अगर मालूम था तो बच रहे। दूसरी बात, अगर उनके नोटिस में नहीं था मीडिया की, चले मीडिया झूठ भी बोल रहा था, एक बार कम से कम उसकी तहकीकात तो करा लेनी जानी चाहिए कि वास्तव में मीडिया इतनी बातें कह रहा है, एक हाउस नहीं कह रहा, सारे लोग बात कर रहे हैं। योगेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यदि मीडिया कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से वो एक एडवाइजरी होती है और कम से कम जो जनता की जो एक डिमांड है उस चीज को कम से कम हमें मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि इस बात के अंदर कहां तक ताकत है और यदि ऐसी परिस्थितियां आती है तो उसका जो निवारण होगा वो कैसे होगा। और कंजम्पशन की जो बात कही जा रही है वो भी यही, कंजम्पशन की जो बात कही जा रही है उसकी क्वेश्चन यही है कि अचानक नहीं बढ़ाएगी तो हर बार ही होता है, ये होगा बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि इन चीजों के अंदर यदि कोई भी यदि इसके अंदर दोषी है, यदि कोई भी मैनेजमेंट के अंदर कोई भी लोग ऐसे आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार जो है उनके ऊपर जो है एक प्रिवेंटिव एक्शन जो है निश्चित लेगी, जिससे आगे चिंता इस बात की नहीं बने। पंकज जोशी साहब, चिंता इस बात की है कि जब मीडिया ने सबने इस बात को इंगित किया कि कोयले का प्रोडक्शन अगर वहां से बंद हुआ तो यहां का प्रोडक्शन एनर्जी का बंद हो जाएगा, हमारे पास में इतना वो कोयला बचा हुआ नहीं है कि जिसकी वजह से हम काम आगे कर सकें। यहां एक बात मैं पंकज जी आपसे कहना चाहूंगा कि जो बात अभी हमारे राज्य मंत्री महोदय कह रहे थे कि दिवाली तक हम इसे दुरुस्त कर लेंगे, यही चिंता की बात है, लोगों का यही सवाल है कि जब पहले से आगाह किया गया था तो उसे दुरुस्त नहीं किया गया और ये तो प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन जरूर बढ़ेगा क्यों, व्यापारी की अपनी डिमांड होगी, लोग देखते हैं कि साल में एक ही बार ऐसा अवसर मिलता है और ना केवल ये आपके टूरिज्म भी बढ़ता है, जयपुर की अगर हम बात करें लोग यहाँ की रोशनी देखने के लिए आते हैं, अब वो रोशनी आपके कोई विंड पावर या सोलर पैनल की वजह से तो चलेगी नहीं, उसके लिए तो वही आपको बिल्कुल एकदम जो आपका स्लोगन है स्वच्छ स्वस्थ और बढ़िया वाली बिजली चाहिए तभी वो लट्टू जलेंगे वहां पे, अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो होगा क्या, पहले तो जीएसटी के बल्ब जलवा दिए आपने व्यापारियों के, अब तो कम से कम ये लाइट तो जलवा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए बल्ब जल रहे हैं और आप खुद देखें तो जो कंजम्पशन ऑफ सिटीज है उनके अंदर जो बेसिकली जब से ये एलईडी बल्ब आए और ये आए इसमें निश्चित रूप से जो है फर्क तो पड़ा है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कम से कम ये जो चीजें हैं इस पर सरकार बिल्कुल जो है कि दिवाली और जो है किसान की फसल ये दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कम से कम जो है इस टाइम पर पूरी होनी चाहिए, इस पर सरकार लगातार जो है अपना जो है ध्यान बनाई हुई है। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन से इसीलिए यहां के चेयरमैन को भेजा गया कि आप कोल इंडिया लिमिटेड चेयरमैन से परफेक्शन लीजिए कि ये आपूर्ति कितने दिन के अंदर सुचारू हो जाएगी। आरसी चौधरी साहब, आप उंगली उठा रहे हैं, आप बोलिएगा, लेकिन मेरा भी एक छोटा सा सवाल, एक बात निवेदन करना चाहूंगा आपसे, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि आपकी जब सरकार थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एनर्जी मिनिस्टर थे, विधानसभा में उन्होंने एक बात कही थी कि
बिजली को कम से कम राजनीति से अलग रखना चाहिए। पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि छीजत हमारे लिए बड़ी एक चुनौती बनी हुई है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि संरक्षण बिना मिले छीजत नहीं बढ़ती है। अगर छीजत इसी तरह से बढ़ती रही तो हम लोग जो सपने देख रहे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। दूसरा, एक आम उपभोक्ता है उसकी जेब पर भी इसका डाका पड़ रहा है। डाका इस वजह से कह रहा हूं कि जब मैंने बिजली का बल्ब नहीं जलाया और मेरे पास में पैसा, मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये जो स्थितियां हैं छीजत को लेकर के, तो क्या वास्तव में उसमें कहीं दो कदम आगे बढ़े हम? छीजत के लिए कहा गया था कि 19% के आसपास, 15% के आसपास होनी चाहिए थी, हमारे तो छीजत बढ़ रही है 30% के ऊपर। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी जो वक्ता है उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो विंड एनर्जी है वो हम आज जो परचेज कर रहे हैं वो 2.64 रुपए के प्रति यूनिट से हम खर्च कर रहे हैं, जबकि कोयले की जो कॉस्टिंग है वो 3 रुपए कुछ पैसे आ रही है। अगर आज ये विंड एनर्जी परचेज कर रहे हैं और आज इनको कोयले से अगर सस्ती मिल रही है, तो फिर आम उपभोक्ता पे जो आपने सिक्योरिटी मनी के नाम से जो बिल के साथ में 1000 रुपए का बिल पकड़ाया वो किस लिए पकड़ाया? दूसरा, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि कोल की जो माइनिंग का है ये सरकार की गवर्नेंस में निर्भर करता है कि जो कोयले की जो माइनिंग का जो काम है आपने जिस पार्टी को टेंडर दिया वो निर्बाध आपूर्ति राजस्थान के हितों पर, राजस्थान की जनता के लिए करे, या फिर अपने जो दूसरे निजी जो पावर प्लांट है वहां पे कोयला जा रहा है, निगरानी कहां पे है? आखिर जनता की, जनता की जो, देखिए जिस प्रकार से ये जो चीज चल रही है, जिस प्रकार से मैनिपुलेशन चल रहा है, और इससे पहले आज कोयले की खपत कम हुई है, कोयला इनके पास है नहीं, जिस प्रकार से इन्होंने अडानी ग्रुप जाके और वहां पे पावर प्लांट जोड़ा जाता है, खुले आंकड़े, जिसको हमने छमड़ा पावर प्लांट को जो हमने 2010 के अंदर इंस्टॉल किया और उसको एक स्टेज, दो स्टेज और तीन स्टेज के अंदर कंस्ट्रक्शन होना था, हमारी जब सरकार गई 2013 के अंदर 750 मेगावाट का हमने प्रोडक्शन उस पर स्टार्ट करके गए, 2016 के अंदर वहां पे 1500 कुछ मेगावाट का प्रोडक्शन होना चाहिए था। आज आप जो जनता के पैसे से, जनता की जमीन से, जनता के कोयले से जो आज बने हुए हैं, आखिर आप क्यों देना चाह रहे हैं? आखिर आपने देखिए, आखिर आपने जो बातें बोली हमने तो उसी पे कर रहे हैं। अगर आपने कहा कि हम सस्ती खरीद रहे हैं तो सस्ती खरीद रहे हैं तो जनता पे उसका बोझ क्यों? दूसरा, आपने कहा कि जैसे जैसे एनर्जी की कंजप्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तब हमने टैरिफ को वेरिएबल कर देते हैं, क्या फिर आज आप सस्ते में बिजली खरीद रहे हो और फिर जनता पे भारी पे लाड़ रहे हो? अगर ऐसी स्थिति है तो क्यों? दूसरा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पहला बजट पेश किया था तब उन्होंने कहा था हम राजस्थान के अंदर 20,000 मेगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, आज 4 साल कंप्लीट होने को है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर एक यूनिट बिजली का प्रोडक्शन सोलर एनर्जी से इन्होंने जिस प्लांट को इंस्टॉल किया हो और वो प्लांट आज प्रोडक्शन करने लगा हो तो मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूं भारतीय जनता पार्टी ने एक यूनिट प्रोडक्शन नहीं किया, एक सिंगल यूनिट का तो घरों किया, सरकार ने प्लांट लगा के नहीं किया। आपने फर्स्ट बजट में वादा किया था 20,000 मेगावाट का वादा किया था, अगर वो 10% अगर 50% आपका वादा मेगावाट था तो आज कहां पे आज स्टेट का, आज इस स्टेट को 10,000 मेगावाट की कंजप्शन की जरूरत है, 20,000 का फर्स्ट बजट में वादा करते हो और आज उसको 10,000 मेगावाट की आप सप्लाई नहीं कर पाते हो और उसके बाद में 2016 के अंदर किस प्रकार से, सुन लीजिए, दे रहे करोड़ यूनिट यूनिट्स एंड मेगावाट ही तक 20,000 मेगावाट का प्लान, मेगावाट मैं कह रहा हूं किस का बात करें, किस की बात करें आप ये बता दीजिए कितने मेगावाट का प्रोडक्शन है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है वो बोल रहा है नवंबर 2015 के अंदर 17,222 मेगावाट का प्रोडक्शन था, आज अगर 60% ये एफिशिएंसी से काम करते तो ये मदद नहीं आती, लेकिन आम उपभोक्ता को वेरिएबल टैक्सेस के नाम पे लूटा जा रहा है और प्राइवेट कंपनियों को निजी हाथों में बेचने का प्रयास की तरह, और जो कोयला सप्लाई होना चाहिए था वो कोयला सप्लाई नहीं हो रहा है, आपके बैठ के सुनने के लिए नहीं बैठे, लगाने के लिए नहीं बैठे, आपने वादा किया था उदय योजना के अंदर, आपने वादा किया 60,000 देश की जनता का पैसा आपने इस कंपनियों में डाला और आपने कहा हम छीजत को लेके आएंगे, उदय योजना में केंद्र की सरकार ने कहा अगर आपको आगे पैसा चाहिए तो इसको 27% पे लेके जाइए, ये सरकारी आंकड़े बोलते हैं 30% से ज्यादा छीजत है, 30% से ज्यादा छीजत है, तो सरकार की एफिशिएंसी कहां गई? क्यों जनता पे वो लोड डाला? आज आपको रोकते तो निश्चित रूप से आज ये हरकत नहीं होती, आपके इशारे से कितनी बिजली चोरी हो रही है उसका जवाब देना चाहिए, एक बात जानना चाहूंगा सतीश जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, आप एक आम कंज्यूमर हमारे साथ में है, किसी पार्टी लाइन से कोई वास्ता नहीं आपका, आप एक चीज मुझे बताएं कि छीजत के लिए आप किसे दोषी मानते हैं? देखिए छीजत के लिए तो प्रॉपर जो सरकार के पास है, सरकार के पास प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि छीजत को वो रोक सके, क्योंकि छीजत है वो आए दिनों देखने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है,
इसके लिए सरकार ने पुलिस थाने और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया है, लेकिन वो प्रॉपर रूप से नाकाम रहा है छीजत को रोकने में। इसी के साथ साथ एक ये भी है कि जो इलेक्ट्रिक मीटर लगाए हैं, जो इलेक्ट्रिक मीटर लगाए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक मीटरों का जो आप देखेंगे रीडिंग है इतना ज्यादा जंप होता है, ये शिकायत लगातार आ रही है, स्मार्ट मीटर जिन्हें कहा जा रहा है। जी, जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि वर्तमान सरकार के वक्त ही आंकड़े ये कहते हैं कि वर्तमान सरकार के वक्त ही छीजत नहीं बढ़ी है, छीजत की तो बेल लंबी पहले से चली आ रही है, तो वर्तमान सरकार को ही दोषी ठहराएंगे कि वास्तव में इसको मिल बैठ करके करना चाहिए? छीजत तो मुझे लगता है ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। जब तक इसको एक प्लानिंग प्लानिंग के रूप में, और इसको मैं समझता हूँ सरकार एक सुदृढ़ एक व्यवस्था नहीं करेगी तब तक छीजत रुक। किस तरह की सुदृढ़ होगी? थाने बनाए हुए हैं, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल संरक्षण की वजह से छीजत पनप रही है? नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल संरक्षण तो है ही है, क्योंकि आज भी जैसे मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, तो भरतपुर में आज भी सन 72 से और आज भी मतलब कई का गांव ऐसे हैं जो कि बिजली नहीं देते हैं, डायरेक्ट जो बिजली है बिल तो है, इंस्टॉल है नहीं, और डायरेक्ट जम्पर जिसको आम भाषा में बोलते हैं वो डालते हैं। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बात सही है कि हर एनर्जी मिनिस्टर इस तरह से तो कहा जाता है कि कहते सुनते भी हम विधानसभा के अंदर कि ये सबका काम है, कहिए अब लोग संरक्षण मत दीजिए, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना पॉलिटिकल संरक्षण के आपको लगता है कि बिजली चोरी हो रही होगी? ये जब ये वहां भी कहा जाता है, और क्योंकि ये तकलीफ एक आम उपभोक्ता की है, जब वो पैसा है कहीं कहीं उसका डिविजन होता है और वो किसी की भी जेब पे डाका डाला जाता है, उसके लिए क्यों नहीं रोका जाता है छीजत को? देखिए, कुल मिलाकर के प्रशासन की इसमें खामी तो दिखती है, लेकिन साथ साथ में इस सेमीकंडक्टेड यानी एक तार से दूसरे छोर तक जाने वाले बिजली को छीजत को कैसे रोका जाए, इस पर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर केवी गर्ग ने बहुत बड़ा काम किया है, और वियतनाम में, जापान में और अमेरिका में उनकी उसको अडॉप्ट किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि इस विश्वविद्यालय की ये उपलब्धि हमें राजस्थान में भी करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग इस नाम से भी वाकिफ नहीं कि प्रोफेसर गर्ग की कितनी बड़ी एक सेमीकंडक्टिविटी पे काम है, जिसको दुनिया में शोहरत मिली हुई है, हम लोगों ने उसको किया ही नहीं। और साथ साथ में राजनेताओं को, जिनको ठीक से पता है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से बिजली की चोरी हो रही है, लेकिन वो उस पर कभी आवाज नहीं उठा रहे, क्यों वोट नहीं कटने चाहिए? दूसरी बात और आए दिन देखने को, जब देख रहे को अधिकारी कि चोरी हो रही है और उसकी वीसीआर भर दी, तो यहाँ हल्ला मस्ता है कि सर ये तो गरीब आदमी को मार डाले ये लोग, बिल्कुल इसकी गलती नहीं है। गलती क्यों नहीं है? गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे नीचे स्तर का और चाहे ऊपर के स्तर का, हम क्यों डिवाइड करते हैं उसको? अगर चोर है तो चोर है, इसमें कोई बात ही नहीं। बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन सबको मिलनी चाहिए, और ईमानदारी से मिलनी चाहिए, और खरीदने के साथ में मिलनी चाहिए। उसे क्यों राजनीति संरक्षण दिया जाता है? हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, बस मेरा छोटा सा सवाल है कि बिजली चोरी में संरक्षण क्यों दिया जाता है? योगेंद्र जी, यहाँ पे सबसे पहले तो जरूरी है कि जो चोरी, आखिर जो एक वर्ड आता है चोरी चोरी, इस सरकार ने जब उदय योजना को, जब इस राज्य की सरकार ने ओढ़ा, तब उन्होंने कहा कि हम जो एनर्जी है उस एनर्जी के लॉसेज को कम करेंगे। एनर्जी का लॉसेज चोरी भी है, एनर्जी का लॉसेज हैंगिंग वायर भी है, एनर्जी का जो लॉसेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी है, डिस्ट्रीब्यूशन के आपकी यूनिट कितनी कितनी दूरी पे है, जितनी दूरी पे आपकी बिजली सप्लाई होती है उस पर बहुत सी चीजें होती हैं। सरकार ने इस चीज को कम करने के लिए, छीजत के आंकड़ों को कम दिखाने के लिए, जो आम उपभोक्ता को, जो उसकी वीसीआर के नाम पे जो ठगी की, ये सरकार की लाचारीपन को आम उपभोक्ता पे क्यों डाला जाता है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक बीपीएल आप किस लिए करें हैं? एक बीपीएल भरतपुर का बाबूलाल प्रजापत नाम का बीपीएल, जनवरी 28, 2016 के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स में छपाइए, और उन्होंने कहा बाबूलाल के एक घर पे दो कमरे, दो पंखे और दो बल्ब, उसको बिल कितने का दिया? 1,40,000 रुपए का उसे बिल थमाया गया। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, एक बीपीएल परिवार का जो आदमी है, क्या वहां पे उसने प्लांट लगा रखा था? क्या वहां पे उसने एसी लगा रखी थी? इस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, लोसेज की नाकामी को छुपाने के लिए पब्लिक में डालना निश्चित रूप से निंदनीय। दूसरा मैं कह रहा हूं, जब सेवानिवृत्त अधिकारी यहां पर बैठते हैं, चेयरमैन बनते हैं, और जब मंत्री की जब लड़ाई होती है तो मंत्री को पद छोड़ना पड़ता है, सेवानिवृत्त अधिकारी वहां से पद नहीं छोड़ के जाता है, और वो कंपनी के एमडी के तौर पे वहां पे काम करते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार की जो मानसिकता है, फीडर मेंटेनेंस के नाम पे आपने करोड़ों रुपए के बिल उठाए,
आम जनता से करोड़ों रुपए के बिल उठाए और वो बिल उठाने के बाद में आप जो लॉसेज है वो कम नहीं कर पाए, इसलिए सरकार अपनी नाकामी को मेरे छोटा सा वीसीआर के नाम पे तो सही नहीं डाला जा सकता। सही कह रहे हैं, भरतपुर का एक उदाहरण दे रहे हैं, आपको एक ध्यान होना चाहिए, ओम सैनी साहब को ध्यान होगा, मुझे लगता है कि अपन जो बैठे हैं उनमें से राजस्थान विधानसभा में बहुत सारे दर्शक हैं, सुन ले आपके काम की बात है ये, आपको वो अधिकार भी है कि अगर आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है तो आप सीधा परिवादा विधानसभा में भी लगा सकते हैं, अगर मामला झूठा आपको फंसाया जा रहा है तो उसे बाकायदा हियरिंग हो, ये डिपेंड करता है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पे कि उसकी विल पावर कितनी मजबूत है। दीपेंद्र सिंह शेखावत विधानसभा अध्यक्ष थे, पूर्ववर्ती की बात है, एक किसान उसके डिमांड नोटिस सॉरी माफ करिएगा उसकी वीसीआर भर दी गई और वीसीआर भरने के बाद उस पर बाकायदा एक बिल भेजा गया कि आपको इतने लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। उसने कहा कि मेरा कुआ नहीं है, मेरा कनेक्शन नहीं है। रोचक बात देखिए इसमें, उसके ना तो उसका कुआ न उसका कनेक्शन कि भाई ये बिल आ कहां से रहा है, मेरा तो कनेक्शन ही नहीं है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों पे नहीं ढोलना चाहिए, आप लोगों हो चाहिए हो, छीजत के साथ साथ इस सिस्टम को दुरुस्त करिए। उस व्यक्ति के बिल को माफ करवाया गया और एडिशनल चीफ इंजीनियर उन्हें सस्पेंड किया गया, तो ये क्यों नहीं होता है कि वास्तव में अगर ऐसा हुआ तो आज अगर मान लो इनके घर पे अगर ज्यादा बिल आ गया तो ना तो इसमें मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे दोषी है ना पुष्पेंद्र सिंह राणावत दोषी है, जो जंग खाया हुआ हमारा सिस्टम है उसे दुरुस्त आपको पंकज जोशी जी को और आरसी चौधरी साहब को मिलकर करना चाहिए, नहीं तो आप एक दूसरे पे उंगली उठाते रहेंगे और ये मत बोलिए कि तीन उंगली हमारी तरफ भी है, ये कौन दुरुस्त करेगा? पब्लिक तो पब्लिक है, आपकी भी है, इनकी भी है, हमारी भी है, लेकिन वास्तव में अगर झूठा किसी को फंसाया जा रहा है, अगर बिल उसके घर पे आ रहा है तो सरकार एक एक चीज के लिए मॉनिटरिंग नहीं, आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, और ये नहीं है कि वसुंधरा राजे के सरकार के साथ ऐसा हो रहा है, ये हमेशा ही होता है। योगेंद्र जी नहीं, निश्चित रूप से आप ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते, मेरा सोचना है कि जब आप सरकार की जनता के बीच में गए तो या तो आप जनता से अपील करते कि जो चोरी है वो रोकनी चाहिए, जब आप ये कहते हो कि ये सरकार है चोरी को रोकने में नाकाम रही है और हम आएंगे तब इस छीटेज को रोकेंगे, तो आपको अपना जो कमिटमेंट है वो पूरा करना चाहिए, एक चीज। दूसरा, आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो बिजली की जो दरें निर्धारित होती है उसके पास एक जो कमीशन है, उस कमीशन पे कंज्यूमर से वो कंप्लेन कराए, भास्कर ने बहुत बड़े बड़े जो पेज पे छापा उसको, उसके बावजूद वहां पे 120 के करीब ही कंप्लेन गई टैरिफ को, टैरिफ का कैलकुलेशन करने पे। इस सरकार ने आने के बाद में 40% के करीब टैरिफ बढ़ा दिया, जो टैरिफ था ना 40% के करीब, जो आपने डोमेस्टिक जो कंजप्शन था उसको 75 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया, आपने जो कमर्शियल यूनिट था, सर एक सेकंड, आप केवल फैक्ट से दूसरी जगह के छपे मत बोलो, मैं एक बात, पंकज जी उसके लिए तो सबसे बड़े लचर और सबसे लापरवाह तो आप लोग हैं, ये बैठे ओम सैनी साहब, बहुत अपील की आम आदमी पार्टी के अलावा कोई पहुंचा नहीं वहां पे, या कांग्रेस पहुंचे थे, कहां थे कांग्रेस के लोग? देखे मेरी बात, कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के लिए सही। आप एक बार जब अभिकरण में तय होना था वो जुडिशियल बॉडी है, बाकायदा लिखाया गया था कि आप लोगों की प्रॉब्लम है, सरकार ये करने जा रही है तो आपकी अगर कहीं को दलील है तो दीजिए, उस वक्त गिने मात्र 21 लोग पहुंचे वहां जिसमें मिस्टर मीम रोड थे, 16 लोग आम आदमी पार्टी के थे, कांग्रेस बीजेपी से कोई पहुंचा नहीं। सर उस वक्त जागना चाहिए था, सरकार को रोल बैक वही करना पड़ता, लेकिन उस वक्त तो कोई गया ही नहीं और उसमें साफ लिख दिया कि जब जनता ही अवेयर नहीं है तो सरकार बढ़ाने के लिए आजाद है। अच्छा मतलब सरकार चाहे कमीशन, मेरी बात नहीं समझ रहे सर, मैं आरसी चौधरी साहब, ये तो बहुत, ये तो सर सब में बाकायदा इश्तेहार जारी किया गया था, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही बनाया हुआ सर एक जुडिशियल पावर है जिसके जरिए रेट्स तय होती है, बाकायदा सरकार अपनी तरफ से नहीं थोप सकती, सरकार को बाकायदा वहां देना होता है कि हम ये रेट्स बढ़ाना चाहते हैं हमारा घाटा पूरा करने के लिए, बाकायदा निकालते हैं कि जनता अपनी तरफ से कोई भी सुझाव दे सकती है क्या ये सरकार का कदम उठाया जा रहा है ये जायज है, तो जब हम उस वक्त तो सोते रहेंगे और उसके बाद में हम राजनीति करते रहे, अवेयर तो तब होना चाहिए था, लोग पहुंचते अपने डेलीगेशन को ले लेकर के वहां पे कि नहीं बिल्कुल गलत है, जनता की गर्दन कट जाएगी इससे, मुझे लगता है कि वो वक्त तो हम चूक गए, उसके बाद में बाकायदा लिखा गया कि सरकार आ जाए तो उसकी वजह से बढ़ाना पड़ा, ये सरकार पे डिपेंड करता है कि आपने 100 रुपए बढ़ा करके आज का एमएलए रामलाल की तरह कितने की रोटी रखते हैं ये डिपेंड उस पर करते हैं, तो आरसी चौधरी साहब वो मौका हम खो चुके हैं, उस वक्त आप लोगों को जाना चाहिए था और डेली मीडिया इस बात का आगाह, आप लोगों को सबको आगाह कर रहे थे, पब्लिक से भी, मैं तो आपको भी दोषी नहीं मान रहा इसके लिए पब्लिक को भी जाना चाहिए था, वहां पे कोई गया ही नहीं तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। खैर चलिए मैं माफी चाहूंगा, छिज्जत सबसे बड़ी परेशानी है, रेट्स ऐसे बढ़ती रहेंगी, लेकिन ये बात सही है कि आपकी बात में इस वजह से दम है कि जब हम वादे करते हैं और जनता को सपने दिखाते हैं तो कम से कम पूरी करिए, अगर पूरे नहीं करेंगे तो इस तरह से राजनीति होती रहेगी,
और जनता को सपने दिखाते हैं तो आप वाकई उसके पूरे भी करिए। अब दिवाली का टाइम है, पुष्पेंद्र सिंह राणावत साहब तो कह रहे हैं, लेकिन राणावत साहब को जब 2 महीने पहले ही आगा मीडिया ने किया था उसमें तो दम नहीं नजर आ रहा, तो कैसे दिवाली तक दुरुस्त कर देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वास्तव में कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ये राजस्थान की प्रजा की किस्मत होगी कि चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। खैर चलिए, लेकिन जो भी है मुझे लगता है कि इसमें जो व्यवस्था है उसमें लापरवाही का भी एक कोना है, जिसे दुरुस्त पंकज जोशी साहब करवाइए, आरसी चौधरी साहब आपकी भी सरकार आती रहती है जाती रहती है, आप लोग भी करवाइए, ये सिस्टम ऐसा ही रहेगा। और आप लोग जनता के बीच 5 साल में परीक्षा देने जाते हैं ना, वो लोग स्थायी रूप से रहते हैं, कम से कम इस व्यवस्था को तो सुधारिए। अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो मुझे लगता है कि जनता आदी हो जाएगी इसी तरह से पीड़ा झेलने की। माफ करिएगा, ये पीड़ा झेलना इस वजह से कह रहा हूं कि ये एक बड़ी चोट है, जो आपके भी दर्द था कि डिमांड नोट के नाम पे एक एडिशनल एक पर्चा और थमाया जा रहा है, ये वो पीड़ा ही है, वो जनता की पीड़ा है और मजबूरी है, उसके पास में कोई चारा नहीं है कि पैसे जमा कराने के अलावा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में से इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।